बहुत एक दो क्वेश्चन ही हाँ हाँ बहुत कम था और करंट अफेयर से दो ही। हाँ, करंट अफेयर का परसेंटेज पहले से कम है और क्वेश्चन बेसिक्स हैं ज्यादा। 22 का पूछ रहा है या फिर 21 का? 22 का ही था, 22 का था क्योंकि करंट अफेयर नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है तभी। नहीं तो एक तो क्वेश्चन बता था वो जो नहीं आते हैं वो थ्री वाले वन प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है या फिर कुछ नया देखने को? सारे किरण के प्रीवियस वो कैब बहुत। हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जस्ट अभी छूट चुका है तो हम बच्चों से जानेंगे कैसा पेपर का लेवल आया, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर कितना पुराना पूछ रहा है, कितना नया पूछ रहा है, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के बारे में भी बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कैब कैसी आ रही है, प्रीवियस ईयर जैसे आ रहा है या फिर कुछ नया पैटर्न डाला है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इधर आया थोड़ा 65 पेपर का कैसा लेवल आया? पेपर अच्छा आया, करंट ज़्यादा नहीं आया, ये एक दो क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, करंट के एक दो क्वेश्चन ही आए हैं, आप पढ़ के गए होगे पूरा? हाँ। ऐसा ही हुआ है, मतलब थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आ रहा है क्या? हाँ, पेपर अटेम्प्ट अच्छा थोड़ा कम हो पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है। कैसा मतलब लेवल कैसा लगा पेपर का? लेवल तो लो है ज़्यादा, मतलब जीएस भी बहुत इजी था। अच्छा। और मतलब बहुत, मतलब जैसे टेस्ट में, टेस्ट बुक पे टेस्ट आ रहे हैं उनसे काफी इजी था। मतलब करंट अफेयर की बात करेंगे। हाँ। बच्चे बता रहे थोड़ा सा बहुत एक दो क्वेश्चन। हाँ हाँ, बहुत कम था और करंट अफेयर से दो ही क्वेश्चन था, एक तो मेरा तमिलनाडु वाला था जिसमें कि अंडा और केला जो ब्रेकफास्ट में स्टार्ट किया है वो वाला क्वेश्चन था, और वन वर्ड नहीं था लेकिन इंग्लिश में वन वर्ड था ही नहीं। नहीं, वन वर्ड नहीं था और इजी है इंग्लिश भी काफी। मतलब करंट अफेयर अभी 2022 का पूछ रहा है या फिर 21 का? 22 का ही था, 22 का था क्योंकि करंट अफेयर पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम था, मतलब दो क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है करंट अफेयर के मतलब स्टैटिक जीके में बना के पूछ नहीं, लिया हो? नहीं, स्पोर्ट्स से इजी है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी कम है। फिलहाल में कोई गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह, ये सब स्कीम वगैरह कुछ पूछा हुआ? ठीक है, रीजनिंग के बारे में पूछते हैं थोड़ा सा। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन देखने मिले? रीजनिंग में दो क्वेश्चन तो थे ब्लड रिलेशन से। अच्छा, और बाकी वो हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी और दो सीरीज आई थी, सीरीज ठीक बन गई थी, सीरीज बन गई थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। स्कीम, हाँ एक स्कीम पूछा गया था, वो था वो हाँ वो राजस्थान का था, जो राजस्थान ने ऊँटों के लिए जो स्टार्ट करा है ना, उनका संरक्षण करने के लिए वाला स्कीम। और वही ये भी सीडी सीरीज थी, सीरीज थी, सेटिंग अरेंजमेंट से था, अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन। चलो ये अच्छा है, इसमें टाइम लग जाता थोड़ा सा, एक मिनट मिनिमम लग जाती है उसमें, सेटिंग अरेंजमेंट से नहीं था। और कोई आपका पजल भी नहीं थी कोई, डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे गए। अच्छा, मतलब जो मतलब 10 से 15 मिनट में आराम से हो सकती है। 15 मिनट में रीजनिंग हो गई थी मेरी। और उसके अलावा इकोनॉमी ज्योग्राफी से क्वेश्चन। अच्छा, कोई डांस आया था? डांस बेसिकली अभी एसएससी का ट्रेंड हो रहा है, डांस पूछ रहा है। डांस फॉर्म नहीं था, ये डांस फॉर्म नहीं था। हाँ, एक दिवस था, अहिंसा दिवस। हाँ जी, अहिंसा, गांधी जयंती। जी। अच्छा अच्छा, जी एस के बारे में आपने पूरा बता दिया। इंग्लिश का आप बता दो थोड़ा सा, इडियम्स नहीं आए? हाँ, बहुत एक आया था केक वॉक, बहुत इजी था वो, मतलब इंग्लिश भी काफी इजी है। प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है या फिर कुछ नया देखने को? सारे किरण के प्रीवियस वो कैब बहुत इजी था, रिपीटेड थी, रिपीटेड है ऑलमोस्ट, मतलब इवन जो बच्चा 21 और 20 की भी करके जाएगा इजीली कर देगा। अच्छा, मतलब इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, थैंक यू। भाई कैसा पेपर का लेवल लगा, कितने क्वेश्चन कर दिए? पेपर भाई इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। अच्छा, मैंने 88 अटेम्प्ट किए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है तभी। नहीं तो बच्चे 70-75 ऐसे नॉर्मल करके आ रहे हैं बच्चे। तो मतलब बता दिए, जीएस का तो मैंने पूछ ही लिया क्या क्या आ रहा है। जैसे कोई, जैसे आपको और जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर के बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ही डाले आज। करंट अफेयर अब ऐसे तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ करंट अफेयर का परसेंटेज पहले से कम है और क्वेश्चन बेसिक्स हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में बता रहे हैं, वन वर्ड नहीं आया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बार नहीं है, एडियम फ्रेजेज हैं और एंटोनियम सिनोनिम। पैराजम्बल वगैरह है? पैराजम्बल एक था। एक था, मतलब ओवरऑल इंग्लिश इजी है या फिर मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट है। और कोई इंग्लिश में ऐसी कोई चीज़ जिसने परेशान किया हो बच्चों? नहीं, इंग्लिश वो कैब कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। रिपीटेड है? अच्छा, रिपीटेड, एडियम फ्रेजेज रिपीटेड। और मैथ कैसा लगा? मैथ परेशान रहते हैं बच्चे मैथ को लेके। मैथ मॉडरेट कह सकते हो आप, कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं है, थ्योरी बेस्ड है ज़्यादातर। कितने क्वेश्चन थे एडवांस के, कितने थे एडवांस मैथ? इक्वल कह सकते हो आप, लगभग 50-50 लगभग कह सकते हो आप अंदाजे से। एडवांस के इजी थे क्वेश्चन, टफ नहीं थे। इजी थे मतलब देख देख के हो रहे थे। आप अर्थमेटिक के?
अर्थमेटिक के थोड़े कैलकुलेटिव थे पर ठीक थे, ठीक थे। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक तो क्वेश्चन फंसा था वो जो नहीं आते हैं वो थ्री वाले वन, मतलब वो उसमें होते हैं मैट्रिक्स में जो होती है सीरीज। अच्छा, हाँ, वो वाला मैट्रिक्स वाले परेशान करते ही हैं हर किसी को। एक परेशान किया था वाकई, और सब अच्छे से हो गया। मतलब रीजनिंग में दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे परेशान करने वाले, ठीक है। कोई ऐसा आया था कोई ट्रायंगल और वो नंबर काउंट करने वाले? नंबर वाला काउंट वाला नहीं आया। अच्छा, और मतलब ओवरऑल जीएस इजी बता रहा, हिस्ट्री के क्वेश्चन मिले देखने? हिस्ट्री का एक डायरेक्टली क्वेश्चन था कि जो वंश थे था कि इसका कौन है, जो फाउंडर है कौन है, ऐसे बहुत इजी है, वन लाइनर क्वेश्चन ही है। अच्छा, मतलब जिसने पढ़ा हुआ हिस्ट्री वो कर दिया हुआ। वेरी इजीली। पॉलिटी, पॉलिटी आर्टिकल? हाँ, पॉलिटी आर्टिकल नहीं था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। थ्योरी बेस्ड था? हाँ, जैसे बोला उसमें एक था पार्लियामेंट से क्वेश्चन था, उसका समझ में नहीं आ रहा था कि पार्लियामेंट कहाँ डिफाइन है, उसमें दे रखा था राष्ट्रीय करके, मुझे मतलब वो लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी। हाँ हाँ, थोड़ा लैंग्वेज के क्वेश्चन थे। तो ये अच्छा हुआ, काफी रीजनिंग टेक्स्ट बुक का मॉक जो लगाते हैं वो बता रहे थे टफ, उससे हल्की आ रही है, उससे हल्की आ रही है, तो ये अच्छी चीज है। मैथ, मैथ बता रहे हैं थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैं दो तीन क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव, बाकी ठीक था, एडवांस में कुछ ज्यादा नहीं आया। एलजेब्रा से क्वेश्चन आया था ओनली। अच्छा। और दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री थे और तीन डीआई से थे। अच्छा, और एक बर्गन टाइम से था, एक एसआईसीआई से था। और कैसा था, सिंपल था या सिंपल था? सो एसआई का ही था, एसआई का था, सिंपल ही था, एसआई का था, ऐसा ही। हाँ, और बाकी दो क्वेश्चन थे त्रिकोण मिति से, वो आराम से वैल्यू रखे हो जा रहे थे। अच्छा अच्छा। इसके अलावा और क्या था? और आपका ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से दो क्वेश्चन नहीं, दो तीन क्वेश्चन, बेलन से कोई क्वेश्चन नहीं था, शंकु से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, क्यूब और या फिर एक उससे था, एक उससे था, गोला से था, गोला से था, मतलब गोले पिघलाने से कितने गोले बनेंगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन था। तो मतलब बेसिक ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई घुमा के ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, सही है, वो कर ले जाएगा। और मतलब हिस्ट्री बता रहे हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन था मुझे याद नहीं आ रहा, और जीएस भी ठीक थी। जीएस मतलब करंट से ज्यादा नहीं आया था, ज्यादा नहीं आया तो क्वेश्चन मुझे लगे करंट से बस। ऐसा ही सीपीयू में देखने के लिए मिला था, मैंने भी सीपीयू का एग्जाम दिया था तो उसमें भी बस दो तीन करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, वो भी पुराने पूछ लिए थे उसमें। इसमें केवल भाई एक पूछा गया था, वो सेंट्रल एक्साइज के मतलब वो हेड कौन है उसके, और ना डांस पूछा कोई, जो डांस पूछा एसएससी इसमें से आया था वो मतलब किससे संबंधित हैं। अच्छा, कौन कोई पूछा था नाम? हाँ, वो मैंने आप देखो, मैंने बताया था ना आपको, वीडियो बनाई थी जो करंट अफेयर में क्या आ सकता है, तो जो डांस से संबंधित हैं जो भी लोग जिनको या फिर कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, कम पूछा गया। खैर, अवार्ड वाला एक आया था एक क्वेश्चन, वो मुझे कर नहीं पाया। अवार्ड कैसा क्वेश्चन था वो? मतलब 2015 में ग्रैमी अवार्ड कैसे मिला। अच्छा, 2015 का, ये तो स्टैटिक में आ गया। था पूछ रहे, देखो इससे संबंधित है ये नहीं, ग्रैमी अवार्ड कब मिला था, मतलब 15 मिला था, ग्रैमी अवार्ड कौन थे, मतलब ये था, इसके बाद आके इन्हें ग्रैमी अवार्ड कब मिला था, ये था। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। तो ये था भाई कुछ बच्चों का रिव्यू एनालिसिस एसएससी सीजीएल 2022, फर्स्ट शिफ्ट है आज, पहला ही दिन है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। थोड़ा सा बदलाव किया है, डांसेस वगैरह ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, करंट अफेयर भी कोई ऐसे रीसेंट के नहीं पूछ रहा, पुराने पुराने पूछ रहा है, ग्रैमी अवार्ड पूछे 2015 का, तो अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा ये, लेकिन आप पढ़ के जाओ, हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में थोड़ा सा करंट अफेयर ज़्यादा पोर्शन डाल लें, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ें आ रही हैं, रीजनिंग भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं आ रही है, मैथ भी थोड़ा सा आ रहा है टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन बेसिक क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला रख के हो जाएगा आपका अगर आपने प्रैक्टिस किया, तो घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आप वीडियो बनाई थी, बोला था आपसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छा होगा पेपर, वैसा ही हो रहा है, बच्चों का फीडबैक अच्छा आ रहा है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनका अच्छा पेपर हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू की वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, थैंक यू।